ऑर्गेनाइज कर दिया, तो जावास्क्रिप्ट का अभी तक जो भी हमने कोड पढ़ा है वो सारा इस फोल्डर के अंदर आ चुका है, और अब जो हम कोड लिखेंगे वो नॉट जे एस के फोल्डर में होगा, ठीक है, नॉट जे एस के फोल्डर के अंदर अब वो आएगा। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले, अच्छा सबसे पहले तो आपका जो कल का असाइनमेंट है ना वो क्या है, ये तो हम सब लोगों ने बना ली, वेदर ऐप, नमाज टाइमिंग ऐप, ये जो मैंने आपको आज HTML 5 का टेम्पलेट बताया ना, तो सब लोग अपने इर्द गिर्द कोई देखना, कोई दुकान हो, कोई खुद का किसी के अब्बू की दुकान हो, कोई कपड़े की ज्वेलरी की, किसी एक चीज़ की ना वेबसाइट बना के लानी है खुद से, वैसे ही खुद से सोच अपने प्रोफाइल की भी, हाँ रिज्यूमे भी बना सकते हो, एक रिज्यूमे का टेम्पलेट डाउनलोड करो, पोर्टफोलियो का, रिज्यूमे का, उसमें अपनी फ़ोटो लगा के, अपने अभी तक जो टास्क बनाया उसकी फ़ोटो लगा के एक अपना रिज्यूमे बना लो, ठीक है। तो किसी ना किसी बिज़नेस को जो रैंडमली सेलेक्ट करो, कोई एक बिज़नेस, और उसकी वेबसाइट टेम्पलेट के ज़रिए नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बना के लानी, ये आपका टास्क है। अच्छा, तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, नॉर्ड जे एस की आज हम पहली ऐप, हेलो वर्ल्ड ऐप हम बनाने लगे हैं। अच्छा, नॉर्ड जे एस को चलाने के लिए आपके कंप्यूटर पे नॉर्ड जे एस का इंस्टॉल होना भी ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ के जो कंप्यूटर हैं उसमें नॉर्ड जे एस पहले से इंस्टॉल होगा मोस्ट प्रॉब्ली, तो आपने जाना है गूगल पे लिखना है नॉर्ड जे एस, हाँ पहले करवाया था लेकिन अभी हम हेलो वर्ल्ड दोबारा कर रहे हैं तो दोबारा से रिमाइंड कर दें। तो ये आपने क्या करना है, LTS वर्जन इसका आपने इंस्टॉल कर लेना है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट, जब भी आप डाउनलोड करेंगे हमेशा LTS वाला डाउनलोड करेंगे, क्योंकि ये जब करंट वर्जन है ना इसमें बग्स भी हो सकते हैं और ये इसकी सपोर्ट इतनी ज़्यादा नहीं होती, LTS को सब लोग सपोर्ट देते हैं क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए बनाया जाता है ये वाला वर्जन, ठीक है। तो अल्टीमेटली करंट वाला जो वो क्या होता है, अगला LTS यही करंट वाला बनता है, लेकिन वो जब बनता है जब सारे बग्स उसके सॉल्व हो जाए, सारी चीज़ें स्टेबल हो जाए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो करंट में उसको शामिल किया जाता है लेकिन बाद में उसको हटा दिया जाता है, वो LTS तक पहुंचती नहीं है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल चीज़ें होती हैं तो थोड़ा टेंशन वाली बात है, इसलिए LTS आपने हमेशा डाउनलोड करना है। अच्छा, इसको डाउनलोड करना बहुत आसान है, क्लिक करेंगे नीचे डाउनलोड हो गया, क्लिक 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 इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं अगर अपने पास CMD खोल लेता हूँ या टर्मिनल जो भी कह लें आप उसको, इसमें लिखूँगा नॉर्ड स्पेस माइनस माइनस वर्जन, एंटर, तो मुझे ये क्या बता देगा कि अभी मेरे पास नॉर्ड जे एस का कौन सा वर्जन इंस्टॉल है। तो मेरे पास नॉर्ड जे एस का जो वर्जन इंस्टॉल है वो है 16.13 है, राइट, मेरे पास जो नॉर्ड जे एस का वर्जन है वो 16.13 है, और यहाँ पे क्या हो चुका है 16.17, तो मे भी चलो मैं अपडेट कर लेता हूँ, दिख भी जाएगा कि कैसे होता है। तो मैंने जस्ट उस पर क्लिक किया, क्लिक करके ये नेक्स्ट नेक्स्ट मैंने बस प्रेस करना है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, एग्री का बटन दबा दिया मैंने, कंटिन्यू इंस्टॉल, ठीक है, पासवर्ड मुझसे पूछ रहा है, पासवर्ड मैंने डाल दिया, ठीक है जी, इंस्टॉलेशन क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, मूव टू ट्रैश। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा तो मुझे वर्जन नया वाला मिलना चाहिए, ठीक है, देखो मेरा वर्जन क्या हो गया, नया हो गया, पहले 6.13 था 6.17 हो गया मेरे पास। तो मेक श्योर करना है आपने कि ये नॉर्ड आपकी मशीन में इंस्टॉल हो, अगर ये नॉर्ड आपकी मशीन में इंस्टॉल नहीं है, अगर ये आपसे कह रहा है कि नॉर्ड इज़ नॉट रिकग्नाइज एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास नॉर्ड इंस्टॉल नहीं है, और जो मैं अभी हेलो वर्ल्ड चलाने जा रहा हूँ ये आपके पास नहीं चलेगा, यहाँ की मशीनों में इंस्टॉल होगा, लेकिन आप जब घर पर यही सेम काम करेंगे तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि उसमें ये इंस्टॉल हो नॉर्ड जेएस। अच्छा, तो मैं अपने वापस फोल्डर में आ जाता हूँ, फोल्डर में आने के बाद मैंने क्या कहा, मैंने एक फोल्डर बनाया 1.hello world, ठीक है, हेलो वर्ल्ड का एक फोल्डर बना लिया। इस हेलो वर्ल्ड के फोल्डर के अंदर मैंने एक फाइल बनाई index.mjs, ठीक है, क्या बनाऊंगा मैं, mjs। अच्छा, फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे HTML में तो होता था ना भाई इंडेक्स नाम रखना जरूरी है, इसमें इंडेक्स नाम रखना जरूरी नहीं है, मैं इसका नाम app.js भी रख सकता हूँ, ठीक है, app.mjs। mjs जो है ना एक बिल्कुल नई वाली जावास्क्रिप्ट है, दैट इज कॉल्ड मॉड्यूल js। नॉट js जब शुरू शुरू में आई थी ना तो नॉट js में जो चलता था वो था कॉमन js, और ब्राउजर में चलता था es5, तो ब्राउजर वाला जो हो गया वो हो गया es6, और नॉट js वाला जो था वो क्या हो गया, मॉड्यूल js। नॉट js वाला क्या हो गया, मॉड्यूल js, तो कॉमन js पहले था अब मॉड्यूल js, ब्राउजर में es5 पहले था अब es6 है, ठीक है, तो कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बहुत छोटा छोटा सा फ़र्क है, सिंटैक्स सिर्फ नया है, अंदर का मैकेनिज्म ऑलमोस्ट पूरा वही है, परफॉर्मेंस में भी थोड़ा सा फ़र्क है,
जब आप मॉड्यूल जेएस पे चलाते हैं तो परफॉर्मेंस भी थोड़ी सी इंप्रूव की है उन्होंने इस दफ़ा। अच्छा, बहुत ही आसान है, मैंने लिखा है यहाँ पे कॉन्सोल डॉट लॉग और मैंने लिखा है कि आई एम नॉट जे एस हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अच्छा, जो लैंग्वेज में लिख रहा हूँ वो कौन सी लिख रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। जावास्क्रिप्ट कौन सी, मॉड्यूल जे एस वाली। और ये प्रोग्राम जो बन रहा है किसका बन रहा है, ये ऐप बन रही है नॉट जे एस की ऐप, ये चलेगी किस पे, नॉट जे एस के ऊपर चलेगी ये, ठीक है। तो शुरू में किसी ने ये सवाल भी किया था कि सर नॉट जे एस में और मॉड्यूल जे एस में क्या फ़र्क है, तो इसका फ़र्क ये है कि एक गाड़ी है उसके अंदर एक इंजन होता है, दैट इंजन इज नॉट जे एस हमारे केस में, ठीक है। और एक उस गाड़ी की कंपनी होती है टोयोटा, ठीक है, गाड़ियाँ बहुत सारी होती हैं, तो इसका रिलेशन ये है, फ़र्क नहीं है दोनों में, दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन एक ही चीज़ के दो अलग अलग ये रोल्स हैं इसके असल में, ये कह रहे हैं आप। तो या ये कह लें कि आपका जो नॉट जे एस है वो इंजन है गाड़ी का, और उसके अंदर जो बैठा हुआ ड्राइवर है ना वो है मॉड्यूल जे एस जो उसको चला रहा है, ठीक है। अब ड्राइवर की मर्ज़ी होती है उसको उसके साथ काम क्या लेना है, इंजन तो खड़ा हुआ है लेकिन ड्राइवर की मर्ज़ी होती है उससे काम क्या लेना है, तो वो ड्राइवर आपका जो है वो मॉड्यूल जे एस जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट में जो लिखेंगे वो होगा। और आप जो डेवलपर हैं आप क्या हैं, आप आपकी मर्ज़ी है, आप कोड लिख के साइड पे हो जाते हैं फिर वो अपनी मर्ज़ी से कर रहे होते हैं, ठीक है। आप डेवलपर हैं, ये सारा कुछ जो लिख रहे हैं वो आप लिख रहे हैं। अच्छा, ये मैंने लिख दिया, इसको लिखने के बाद मैंने क्या करना है, मैंने खोलना है टर्मिनल, और टर्मिनल इसी फोल्डर में आके, अभी मैं इस फोल्डर में खड़ा हुआ हूँ क्या, नहीं, मुझे इस फोल्डर में जाना पड़ेगा, cd2 not js cd1 hello world। तो इस हेलो वर्ल्ड के फोल्डर में अब मैं आ चुका हूँ, ठीक है। हेलो वर्ल्ड के फोल्डर में आने के बाद मैंने लिखा नॉट स्पेस और मेरी फाइल का नाम। अच्छा, फाइल का नाम मैं कैसे लिखूँगा, सिर्फ ए लिखूँगा जो पहला कैरेक्टर, और टैप दबा दूंगा ये खुद से कंप्लीट करेगा, ठीक है। आपको हमेशा फाइल का नाम जब भी लिखना है, लंबी होती है ना फाइल का नाम, तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ लिखना है ए पी शुरू का थोड़ा सा लिख के टैप दबा देना है, टैप का जो बटन होता है कैप्स लॉक के ऊपर वो वाला बटन, और आपने एंटर कर देना है, ठीक है। तो ये मेरा जो ऐप था, ये मेरा जो कोड था, ये कोड रन हो गया। अब मुझे इस कोड को चलाने के लिए गूगल क्रोम की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, गूगल क्रोम के बगैर तो नहीं चलती थी ना जावास्क्रिप्ट पहले, अब मुझे इस कोड को चलाने के लिए गूगल क्रोम की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ तक की चीज़ में किसी का कोई सवाल कि नॉट जेएस में कोई बात समझ ना आई हो, इसके रन होने में कोई बात समझ ना आई हो, फोल्डर कैसे बनाया वो समझ ना आया हो, कोई किसी का सवाल इस बारे में, हाँ भाई अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो फिर मैं पूछूंगा सवाल, फिर मेरा सवाल है। बाय द वे, अगर किसी क्लास में ना आप बैठे हुए हैं और आप पढ़ाई कर रहे हैं या कोई भी आप सेमिनार ले रहे हैं लेक्चर, अगर आपके जहन में कोई सवाल नहीं आ रहा तो उसके दो मतलब हो सकते हैं, नंबर एक कि या तो आपको सब कुछ समझ आ रहा है या तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। टर्मिनल को खोलना कैसे, टर्मिनल को खोलने के दो तरीके हैं, नंबर एक इसका शॉर्टकट कंट्रोल प्लस बैकटिक, कंट्रोल प्लस बैकटिक पता है ना कहां पर होता है कीबोर्ड में, एस्केप के नीचे वाला बटन है ना वो बैकटिक होता है जिसमें एलिफ मद्दा बना हुआ है, वो बटन होता है बैकटिक का, राइट। तो आपने क्या दबाना है, कंट्रोल, और साथ में आपने दबाना है बैकटिक, सही है। मैं आपको बल्कि यहाँ पे दिखा भी देता हूँ कि वो बटन कहाँ पर होता है, कीबोर्ड लिखा मैंने और मैं इमेजेस में चला गया, तो ये जी कीबोर्ड आपका बना हुआ आ गया, ये बटन देख रहे हैं आप, ये बैकटिक का बटन है जिस पर एलिफ मद्दा बना हुआ है, कंट्रोल और प्लस बैकटिक ये मिला के दबाएंगे ना तो टर्मिनल ओपन भी होगा क्लोज भी होगा, दोनों इसी से होता है। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे टर्मिनल और यहाँ से न्यू टर्मिनल पे क्लिक कर देंगे, इससे भी खुल जाता है, दोनों तरीके सही हैं। अच्छा, और किसी का कोई सवाल, हाँ, नॉट जेएस में जब नॉट स्पेस माइनस माइनस वर्जन लिख रहे हो तो शो कर रहा है,
और एरर क्या शो कर रहा है, एरर का मैसेज बताओ। फाइल का नाम गलत लिख रहे हो, फाइल का नाम गलत लिख रहे हो या तो सेम फोल्डर में नहीं होगा, किसी और फोल्डर में हो। अच्छा भाई दादा, जब मैं लिखता हूँ ना नॉट स्पेस और फाइल का नाम, तो फाइल का नाम अगर ये ऑटो कंप्लीट नहीं कर रहा है, अगर सही है, मैंने ए मैंने लिखा ए और पी और टैब दबाया तो ये ऑटो कंप्लीट कर दिया। अगर ये ऑटो कंप्लीट नहीं हो रहा है ना, इसका मतलब है उस फोल्डर में नहीं है, आप किसी और फोल्डर में। सही है, ये देखो कंप्लीट हो रहा है, एक कैरेक्टर लिख के टैब दबाओ। सीडी करके तो उस फोल्डर में जाना है ना मेरा बच्चा। देखो डिलीट किया मैंने इस टर्मिनल को, इसको दोबारा ओपन किया, अब ये खुला कहाँ पर है, ये खुला है इस फोल्डर में, यानी कि मेरा रूट फोल्डर जो है। अब मैंने आना है इसमें नॉट जेएस में और हेलो वर्ल्ड में आना है ना, तो मैं देखो क्या करूंगा, पहले मैं करूंगा सीडी स्पेस और मेरा फोल्डर कौन सा है, टू डॉट नॉट जेएस ना, तो मैं क्या लिखता हूँ, मैं टू लिखता हूँ और टैब दबा देता हूँ और एंटर कर देता हूँ मैं, क्योंकि मैं टू डॉट स्पेस लिखने बैठ जाऊँ फिर तो मेरा हो गया काम। ठीक है, मैं सिर्फ टू लिखता हूँ और टैब दबा देता हूँ, वो खुद ही ऑटो कंप्लीट कर देता है। ठीक है, अच्छा अब मैं किस में आ गया हूँ, अब मैं नॉट जेएस के फोल्डर में आ गया हूँ, अब मुझे अगले फोल्डर में जाना है। बाय द वे ये कुछ सही दिख नहीं रहा, मैं इसमें काम करता हूँ, अब ये सही, असल में एक फोल्डर होता है ना तो सीधा ही ले लेता है उसको, मैंने एक और फोल्डर बना दिया ताकि ये सेट, तो अभी मैं नॉट जेएस के फोल्डर तक यहाँ पे आ चुका हूँ राइट। अब मैंने आगे कहाँ जाना है, हेलो वर्ल्ड में, तो हेलो वर्ल्ड में क्या है, वन डॉट स्पेस एच ऐसे करके, तो मैंने कहा सी डी और मैंने कहा वन और टैब एंटर, ये मैं हेलो वर्ल्ड के फोल्डर में आ गया। अब चलेगा ये, अब कैसे चलेगा, हेलो वर्ल्ड के अंदर देख लेते हैं, ये फाइल मौजूद है एम जे एस, अब इसके अंदर क्या लिखूंगा मैं, नॉट स्पेस और ए पी और उसके बाद टैब, पूरा नाम नहीं लिखूंगा मैं, पूरा नाम लिखने बहुत टाइम लगा होता है, सिर्फ थोड़ा सा लिख के टैब दबा दूंगा और एंटर करूंगा तो ये चल गया। सही है, ये सब लोगों को समझ आया कैसे हुआ ये। अच्छा जल्दी से ना सब लोग ये हेलो वर्ल्ड अपने पास चला लो जल्दी से, ठीक है, जैसे ही फिर आपका चल जाएगा फिर हम अगला शुरू करते हैं। हेलो वर्ल्ड बन गया हमारा, लेकिन हम करेंगे क्या, हम मॉड्यूल जेएस में असल में सर्वर बनाते बनाते सीखेंगे मॉड्यूल जेएस। सही है, एक तो फंडामेंटल पढ़ लिया हमने, अब हम सर्वर बनाएंगे, तो सर्वर कैसे बनाएंगे हम, हेलो वर्ल्ड एक्सप्रेस सर्वर एंटर, तो अब हमने क्या करना है, एक्सप्रेस का सर्वर बनाना है। एक्सप्रेस का सर्वर बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर आके ना, इस फोल्डर में पहले तो मैं चला जाता हूँ, क्या नाम है इस फोल्डर का, टू डॉट हेलो वर्ल्ड एक्सप्रेस सर्वर। ठीक है, ये हेलो वर्ल्ड एक्सप्रेस सर्वर के फोल्डर में आ गया मैं, तो अब मैं यहाँ पे क्या करने लगा हूँ, एक अदर सर्वर बनाने लगा हूँ मैं। ठीक है, अच्छा सर्वर बनाने के लिए सबसे पहले मुझे करना होगा npm init enter। npm init क्या चीज़ है, नॉट जेएस की जब आप ऐप बनाते हैं तो उस ऐप को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको npm init चलाना पड़ता है, जिससे एक नॉट जेएस की ऐप बन के तैयार होती है। ठीक है, अच्छा तो मुझसे जो भी सवाल पूछ रहा है मैंने कहा एंटर, मुझसे ये कुछ सवाल पूछ रहा है कि इस ऐप का नाम क्या होगा, इसका वर्जन क्या होगा, इसकी राइटर कौन है, तो मैंने एंटर एंटर किया, तो बाद में एक पैकेज डॉट जेसन के नाम से एक फाइल बन के आ गई। ये पैकेज डॉट जेसन की फाइल अगर मौजूद होती है तो हम इसको देख के क्या समझते हैं कि ये नॉट जेएस की ऐप है। सही है, पैकेज डॉट जेसन की जो फाइल अगर होती है किसी भी फोल्डर के रूट पे, तो हम उसको देख के ये समझ जाते हैं कि ये एक नॉट जेएस की एप्लीकेशन है, इसको चलाने के लिए नॉट जेएस रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब इस नॉट जेएस पैकेज डॉट जेसन की फाइल में अंदर क्या लिखा हुआ है, ये हम नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे एक्सप्लोर करें, पहले हम हेलो वर्ल्ड थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा अब अगला काम मैंने क्या करना है, अगला काम मैंने ये करना है कि यहाँ पे आके एक नई फाइल बनानी है जिसका नाम मैंने क्या रख दिया, सर्वर डॉट एम जे एस एंटर। ठीक है, और सर्वर डॉट एम जे एस में मैंने कहा कॉन्सोल डॉट लॉग और इसमें मैंने लिखा आई एम सर्वर फाइल। सही है, सेव,
सर्वर फाइल हो गया। अच्छा, जब ये फाइल रन होगी तो क्या लिखा पाएगा स्क्रीन पे कि आई एम सर्वर फाइल। अभी इस फाइल में क्या लिखना है वो अभी हम देखते हैं थोड़ी देर में। ये फाइल बनाने के बाद जैसे हम कर रहे थे ना नॉट स्पेस और ऐप डॉट क्या था वो सर्वर डॉट लिखा है ना इस बार मैंने सर्वर डॉट एम जी एस। तो ये देखो लिखा हुआ है ना आई एम सर्वर फाइल, ये लेकिन अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। अच्छी प्रैक्टिस इसकी क्या है नॉट जी एस की ऐप को रन करने के लिए अच्छी प्रैक्टिस ये है कि किससे किया जाए, एन पी एम स्टार्ट से इसको रन किया जाए। तो एन पी एम स्टार्ट चलाने के लिए मुझे वापस पैकेज डॉट जेसन में जाना होगा और यहाँ पे एक मुझे स्क्रिप्ट वाली जगह पे आके ना एक मुझे स्क्रिप्ट लिखनी होगी स्टार्ट, और स्टार्ट में आके मैं बात क्या लिखूंगा वही बात लिखूंगा नॉट स्पेस और सर्वर डॉट एम जे एस। सही है, यहाँ पे कॉमा भी होगा, क्या कर दिया मैंने, हाँ सही है ठीक है। तो स्क्रिप्ट में आके ना ये मुझे लिखना पड़ेगा, जो मैं अलग से हाथ से लिखता हूँ ना नीचे वो मुझे स्क्रिप्ट में आके यहाँ पे लिखना पड़ेगा। फिर उससे क्या होगा npm स्टार्ट करने से ये कमांड खुद ही चल जाएगी पीछे। अच्छा हम ऐसा क्यों करते हैं, ये डायरेक्ट लिखते हैं तो क्या होता, असल में सम टाइम ना ये कमांड काफ़ी लंबी होती है, अभी तो ये शॉर्ट है सम टाइम लंबी होती है, तो इसलिए npm स्टार्ट के ऊपर इसको हम अटैच कर देते हैं। तो अब देखो मैं npm स्टार्ट लिखूंगा ना तो वो फाइल ऑटोमेटिकली रन हो गई और लिखा आ गया आई एम सर्वर फाइल। ठीक है, तो ये हमने अभी क्या किया है, अभी हम सर्वर अभी तक नहीं बनाया हमने, अभी तक हम क्या कर रहे हैं नॉट जे एस की जो ऐप है ना उसको स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, अभी तक नॉट जे एस की ऐप को स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं। अच्छा, अब सर्वर बनाने के लिए मुझे कोई ना कोई लाइब्रेरी कोई ना कोई फ्रेमवर्क चाहिए होगा, तो हम जो फ्रेमवर्क करने लगे हैं सर्वर का दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेस डॉट जे एस। ठीक है, तो चलते हैं जी हम एक्सप्रेस डॉट जे एस, ये एक्सप्रेस जे एस की आ गई वेबसाइट। अच्छा, इसके अंदर मैंने कहाँ जाना है, गेटिंग स्टार्टेड वाले पेज पे चले जाना है। ठीक है, गेटिंग स्टार्टेड वाले पेज पे ना इसको इंस्टॉल करने का तरीका आ रहा है। क्या है इसको इंस्टॉल करने का तरीका, npm install express। ठीक है, ये इसको इंस्टॉल करने का तरीका है, मुश्किल तो नहीं है, आसान है। देखो अब होगा क्या, मैं यहाँ पे आया इस फोल्डर में वापस, इस फोल्डर में आने के बाद मैंने बोला पेस्ट कर दिए कमांड मैंने और एंटर किया। जैसे ही एंटर किया यहाँ पे नोट करना एक फोल्डर बन गया, क्या नाम है इसका नॉट मॉड्यूल्स, ये फोल्डर है। ठीक है, अच्छा जब हम लाइब्रेरी यूज करते थे अपने ब्राउजर वाली जावास्क्रिप्ट में तो हम कैसे लगाते थे लाइब्रेरी को, CDN के जरिए। नॉट जे एस की ऐप में लाइब्रेरी ऐसे इंस्टॉल होती है, npm इंस्टॉल लाइब्रेरी का नाम जैसे एक्सप्रेस, जब वो इंस्टॉल करूंगा मैं तो वो तमाम की तमाम लाइब्रेरी को डाउनलोड करके कहाँ सेव कर देगा, नॉट मॉड्यूल के फोल्डर में सेव कर देगा। हमें इस नॉट मॉड्यूल फोल्डर को देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा ना सिर्फ डाउनलोड करके वहाँ पे इंस्टॉल कर देगा बल्कि पैकेज डॉट जेसन के अंदर उसका नाम भी मैंशन कर देगा, देखो डिपेंडेंसीज एक्सप्रेस। ठीक है, यही वजह है कि जब इस प्रोजेक्ट को मैं गिटहब में भेजूंगा, जब इस प्रोजेक्ट को मैं गिटहब में भेजूंगा तो मुझे नॉट मॉड्यूल का फोल्डर भेजने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका नाम लिखा हुआ है। जो भी इस मेरे प्रोजेक्ट को डाउनलोड करेगा अपने पास वो दोबारा से इंस्टॉल कर लेगा, कहां से देख के, यहां से देख के, वो लिखेगा npm install express तो उसके पास भी इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे नॉट मॉड्यूल के फोल्डर को मैंने गिटहब में नहीं भेजना है तो इसके लिए क्या करना होता है, कौन बताएगा, गिट इग्नोर की एक फाइल बनानी होती है डॉट गिट इग्नोर। ठीक है, बगैर किसी स्पेस के डॉट गिट इग्नोर, और यहां पे मैंने क्या लिख देना है नॉट अंडर स्कोर मॉड्यूल्स। ठीक है, सेव, गलत लिखी क्या, हाँ देखो इसका नाम थोड़ा डिम हो गया, जैसे ही मैंने नॉट मॉड्यूल में इसका नाम अटैच किया ये देखो थोड़ा सा डिम हो गया, अब ये पुश नहीं होगा, कुछ भी कर लो पुश नहीं होगा अभी। सही है, गेट एड डॉट स्टैटिक कमेंट जो भी करोगे ये अब उससे ताल्लुक नहीं है इसका। ठीक हो गया, अच्छा तो मैंने ये गेट इग्नोर की फाइल बना दी, मैंने ये भी बना दिया, मैंने एक अदद लाइब्रेरी इंस्टॉल कर ली है अपने नॉट जे एस की ऐप के अंदर, एक अदद लाइब्रेरी इंस्टॉल हो चुकी है, ये फ्रेमवर्क कह लो जो भी कह लो उसको। अच्छा आगे क्या कह रहे हैं भाई, इंस्टॉल होने के बाद क्या करना है, इंस्टॉल तो ये हो गया, इंस्टॉल होने के बाद आगे हेलो वर्ल्ड आगे बता रहा है कि कैसे होगा। हेलो वर्ल्ड का जो कोड है ना वो ये लिखा हुआ है, कॉपी किया मैंने उस कोड को, और कॉपी करने के बाद मैंने अपने जो सर्वर डॉट एम जे एस की फाइल थी इसमें लाके पेस्ट कर दिया मैंने।
सही है, ये मैंने पूरा का पूरा कोड क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अच्छा ये जो कोड मैंने पेस्ट किया ना, ये है पुरानी वाली जावास्क्रिप्ट, कॉमन जेएस है ये मॉड्यूल जेएस नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करूंगा ना एज इट इज, ये मुझे दे देगा एरर। npm स्टार्ट करके रन करना है मुझे, ठीक है, देखो मुझे एरर दे दिया इसने। एरर में क्या बोल रहा है, कह रहा है भाई ये जो रिक्वायर आपने लिखा है ना, ये अब क्या हो चुका है, ये पुरानी वाली जावास्क्रिप्ट थी, अभी नई वाली में ये नहीं चलेगा। तो क्या चलेगा भाई, देखो यहाँ पे ना VS कोड का ये अपना फीचर है, छोटा सा यहाँ पे देखो तीन डॉट आ रहे हैं बने हुए, देख रहे हो, इस तीन डॉट पे मैं जैसे ही हाथ रखूंगा ना तो ये सजेशन देगा मुझे, कह रहा है कि भाई फाइल इज कॉमन जेएस मॉड्यूल, ठीक है, कॉमन जेएस का जो नया वाला है ना मॉड्यूल वाला, इट मे बी कन्वर्टेड टू ES6 मॉड्यूल, ठीक है, कह रहा है कि पहले कॉमन जेएस वाला है, अभी ES6 मॉड्यूल आपको बना, तो क्विक फिक्स का छोटा सा बटन है, ये प्रेस करोगे कन्वर्ट टू ES6, ये ऑटोमेटिकली इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, नई वाली जावास्क्रिप्ट में, ठीक है, इतना आसान है, मुश्किल तो नहीं है, ठीक है। अच्छा वैसे आप ज़्यादातर जो लाइब्रेरी है वो नया वाला अब कोड आ जाएगा थोड़े दिनों में, क्योंकि ये बिल्कुल न्यू है ना, अभी ये बिल्कुल न्यू है, तो इसलिए अभी सब लोगों ने अपडेट नहीं किया अपनी, क्योंकि हज़ारों की तादाद में लाइब्रेरी है, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा अपडेट होते हुए, ठीक है। तो ज़्यादातर लाइब्रेरी अब हम जो देखेंगे ना उसमें इम्पोर्ट करना ऐसे बताया हुआ होगा, रिक्वायर इज ओल्ड, अब वो पुराना हो चुका है, डेप्रिशिएटेड हो चुका है, अब ये है नया, बाकी नीचे का कोड सारा सेम है, ठीक है। तो अभी हम इस कोड में बजाय ज़्यादा चेंजेस करने के, इस कोड में ज़्यादा चेंजेस किए बगैर इस कोड को हम क्या करते हैं, रन कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर से मैंने वो IM सर्वर फाइल को हटा दिया, अच्छा, और ये चलेगा पोर्ट 3000 पे कोड मेरा, और लिखा हुआ जाएगा एग्जाम्पल ऐप रनिंग ऑन पोर्ट 3000, अच्छा, और ये स्लैश लिखूंगा तो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है ना, मैं कहता हूँ हेलो वर्ल्ड फ्रॉम सर इंजमाम कंप्यूटर COMPUTER, ठीक है, ये लिखा हुआ है मैसेज। इस सर्वर को मैं रन करता हूँ, देखता हूँ एरर देता है कि नहीं देता, चल गया भाई ये एग्जाम्पल ऐप लिसनिंग ऑन पोर्ट 3000, और यहाँ पे मैं कॉन्सोल डॉट लॉग भी लगा देता हूँ कि समवन इज रिक्वेस्टिंग ऑन दिस सर्वर, ठीक है। अब मेरा जो सर्वर है ना ये क्या बोलता है, सिर्फ एक बात इसको बोलनी आती है अभी, वो क्या है, हेलो वर्ल्ड फ्रॉम सर इंजमाम कंप्यूटर, कोई भी इस सर्वर को कॉल करेगा, कोई भी इस सर्वर से बात करने की कोशिश करेगा, ये वाली बात बोलेगा ये हर दफा, और कॉन्सोल पे प्रिंट भी करेगा साथ साथ, कॉन्सोल पे क्या प्रिंट करेगा कि समवन इज रिक्वेस्टिंग दिस सर्वर, कोई इस सर्वर पे रिक्वेस्ट भेज रहा है, ये भी बताएगा। अच्छा ये सर्वर अब मेरे पास रन हो चुका है, ओ क्या किया मैंने, अच्छा शुरू में हमने थोड़ी सी डिस्कशन की थी कि सर्वर क्या होता है, सर्वर ये होता है कि कंप्यूटर होता है, उसको आप रिक्वेस्ट भेजते हैं वो आपको रिस्पॉन्स भेजता है, ठीक है। हम वेदर का सर्वर कॉल भी कर चुके हैं, वेदर ओपन वेदर API हम कॉल कर चुके हैं ना, तो दैट इज कॉल्ड सर्वर, एक सर्वर है जो कहीं क्लाउड में किसी कंप्यूटर में चल रहा है, हम उसको रिक्वेस्ट भेजते हैं वो हमें रिस्पॉन्स भेजता है, सही है। इसी तरह हमने नमाज टाइमिंग वाली API है वो हमने कॉल की थी JavaScript के जरिए, तो वो भी मैंने आपसे यही कहा था कि वो कोई सर्वर है कहीं चल रहा है क्लाउड में और हम उसको रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वो रिस्पॉन्स हमें भेज देता है वापस। मेरे कंप्यूटर में इस वक्त एक सर्वर चल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोग अगर मेरे कंप्यूटर पर रिक्वेस्ट भेजेंगे तो यहाँ से रिस्पॉन्स आपके पास चला जाएगा, रिस्पॉन्स में क्या लिखा हुआ होगा, ये बात लिखी हुई होगी, और रिक्वेस्ट किस एड्रेस पे भेजेंगे, क्या URL है मेरे कंप्यूटर का, हाँ मेरे कंप्यूटर पे अगर आप लोग रिक्वेस्ट भेजना चाहें तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, उसमें तो लिखना होगा ना openweatherapi.com/IP address लिखना पड़ेगा, सही है। बाय डिफॉल्ट जो होता है वो कंप्यूटर का IP एड्रेस होता है, लेकिन वो असल में डोमेन नेम का एक डिक्शनरी होती है, उससे अटैच कर देते हैं तो नेम मिल जाता है, क्योंकि नाम याद रखना आसान होता है, IP एड्रेस याद रखना मुश्किल होता है। तो किसी भी कंप्यूटर को आपने रिक्वेस्ट भेजनी होती है तो आप उसकी IP पे कॉल भेजते हैं, तो ये फिर क्या चक्कर है, facebook.com कहाँ से आ गया,
facebook.com यहाँ से आया कि शुरू शुरू जब इंटरनेट आया ना, लोगों ने कहा यार ये आईपी को याद कैसे रखेंगे, तो बड़ा मसला है। तो डीएनएस सर्वर बनाया गया। डीएनएस सर्वर ना टेलीफोन डायरेक्टरी की तरह होता है, ठीक है। अब facebook.com के अगेंस्ट एक आईपी ही मौजूद है जिस पर रिक्वेस्ट जाती है। हम facebook.com लिखते हैं, हमारा जो आईएसपी प्रोवाइडर है उसने अपने पास वो लगाया हुआ है डीएनएस, वहाँ जाता है, वहाँ देखता है facebook.com के आगे आईपी कौन सी है, वो आईपी पर रिक्वेस्ट जाती है। आपको लगता है कि आप facebook.com खोल रहे हैं लेकिन लिखते असल में आप भी आईपी हैं, ठीक है। अच्छा, तो वो ज़रूरी नहीं है आप हमेशा facebook.com लिखें। आपको आईपी अगर पता है डायरेक्ट आईपी लिखें चलेगा। अगर google.com आपने लिखना है तो ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा google.com लिखें। आपको अगर आईपी पता है तो आप आईपी लिखें डायरेक्ट। अच्छा, तो मेरे पास अभी सिर्फ आईपी है। अगर मुझे वो डोमेन नेम लगाना है ना कि sarinzamcomputer.com, तो मुझे ISP से रब्ता करना पड़ेगा, उनको पैसे देने पड़ेंगे कि भाई मेरा भी लगाओ उसमें। वो फिलहाल मैंने नहीं किया हुआ। तो मेरे कंप्यूटर पे अगर आपको रिक्वेस्ट भेजनी है तो सिर्फ एक तरीका है कि मेरी आईपी पे आप रिक्वेस्ट भेजें। मेरी आईपी क्या है अभी बता देता हूँ क्या है। सही है, ये लिखा हुआ है मेरी आईपी। लिखो सब अपने अपने ब्राउजर में 172.16। क्या यार कॉपी कैसे हो रही है आईपी 172.16.21.247। उसके बाद कॉलन 3000, क्योंकि पोर्ट भी तो है ना 3000 जिस पे चल रही है। ये देखो आना शुरू हो गए रिक्वेस्ट, समवन इज रिक्वेस्टिंग ऑन दिस सर्वर। ये देख रहे हो रिक्वेस्ट आना शुरू हो गई मेरे पास। क्या कह रहे हो, क्या बन गया? वेबसाइट खुल गई। ये लिखा हुआ आएगा हेलो वर्ल्ड, वेबसाइट आ गई। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, वेबसाइट नहीं आ सकती। जब मैंने अपनी आईपी बताई है और सब रिक्वेस्ट जब यहाँ आ रही है ना, तो इसका मतलब है रिस्पांस भी यहीं से जा रहा है। ये इतने सारे लोग ना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये देख रहे हो। आईपी दोबारा बता रहा हूँ 172.16। यार ये कॉपी नहीं हो रही, वरना मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ वहाँ पे ना air.sysbot में। मैं इसको 172.16 21247। ये है आईपी एड्रेस, सही है ना, ये लिखा हुआ है। और इसके आगे कॉलन 3000 भी लगाना पड़ेगा आपको। इस आईपी पर रिक्वेस्ट भेजोगे ना तो ये मेरे पास आएगी रिक्वेस्ट और मेरे पास से रिस्पांस जाएगा। फील आ रही है कुछ कि असली सर्वर बन गया? आ गया रिस्पांस, सब लोगों के पास आ गया सेम रिस्पांस। लिखो ये वाली आईपी, लिखो ब्राउजर में, और ब्राउजर में लिख के ना हिट करो। भाई ओपन वेदर एपीआई लिखते थे तो क्या आता था, जेसन आता था बहुत सारा। मेरा वाला लिखोगे तो मेरे पास से जो रिस्पांस जा रहा है वो आएगा। ये सर्वर हमारा पहला सर्वर ना आज बन गया। अब अगला काम क्या रह गया हमारा, इस सर्वर को अभी तो ये मेरे कंप्यूटर में है ना, अगर देखो मैं बंद कर दूं, अगर मैं अपना कंप्यूटर मैंने बंद कर दिया, सर्वर रोक दिया, अब रिक्वेस्ट करो नहीं आएगा रिस्पॉन्स, ये तो बड़ा मसला है। मैं हर वक्त लैपटॉप खोल के थोड़ी बैठा रहूँगा, खोल के बैठा रहूँगा क्या आपका? तो ये तो बड़ा मसला है ना। या तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं लैपटॉप हर वक्त खोल के रखूं और हर वक्त पावर ऑन, बिजली हर वक्त इसमें लगा के रखूं। दूसरा तरीका ये कि क्लाउड में भेज दूं यही सर्वर। अच्छा दोबारा चलाऊंगा तो दोबारा चल भी जाएगा, ये नहीं कि मतलब पक्का पक्का रुक गया, चल गया दोबारा, दोबारा रिक्वेस्ट जाना शुरू हो जाएगी। लेकिन बेहतर ये है कि मैं इसको किसी क्लाउड पर भेज दूं ताकि 24/7 वहां पे चलता रहे, और क्लाउड वाले को थोड़े से पैसे दे दूं, क्लाउड वाले को थोड़े से पैसे दे दूँ जो मेरा सर्वर चला रहा है अपनी रिसोर्सेज खर्च करके, ठीक है, थोड़े पैसे दे दूँ उसको। तो क्लाउड जो है वो फ्री नहीं होता है आमतौर पे, वो क्लाउड जहाँ पे आप अपना सर्वर रखवाते हैं वो पेड होता है। लेकिन
बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो शुरू में थोड़ा सा ट्रेल देती हैं आपको फ्री, कहती है एक ऐप फ्री है, तो वो एक ऐप जो है ना फ्री वाली, वो हम क्लास के दौरान उस पर सीखेंगे, फिर जब क्लाइंट आएगा वो पैसे देगा आपको, जब बोलेगा कि यार मेरे लिए ऐप बना दो और ये लो पैसे, तो थोड़े बहुत पैसे हैं आप भी दे दीजिएगा। बाई द वे क्लाइंट आमतौर पर ना खरीद के देता है आपको, जैसे गूगल का जो सर्वर है वो पेड है, जितने भी गूगल के, तो वो क्लाइंट आपको गूगल का अकाउंट अपना बना के देगा, आपका नहीं होगा वो। जो गूगल को पैसे भरने हैं गूगल के सर्वर की होस्टिंग के लिए या सर्वर को डिप्लॉय करने के लिए, वो आपका क्लाइंट भरेगा, वो आपने नहीं भरना, ठीक है। तो हम सीखने के दौरान इस कोर्स में हम फ्री जहाँ पे सर्वर अलाउ होते हैं नॉट जेएस के, वो हम यूज़ करेंगे। पिछले दिनों हरिको जो था वो फ्री देता था, लेकिन हरिको ने अभी कर दिया बंद, ठीक है। तो हरिको के अलावा एक और प्लेटफॉर्म अभी चल रहा है बड़ा अच्छा, क्या नाम है उसका पता है किसी को? सेल्सिया पता नहीं क्या नाम है उस तरह, कुछ नेटलीफाई है और भी बहुत सारे हैं। तो फ्री वाला ना कोई एक क्लाउड अच्छा सा देख के हम अगली क्लास में इस सर्वर को उस पर डिप्लॉय कर देंगे, ठीक है। अभी मैं वो नाम मैं भूल रहा हूँ, क्या नाम है जल्दी से मैं गूगल करके आपको बता देता हूँ। बड़ा अच्छा नाम था यार, क्या हो रहा है आउट? नहीं नहीं इतना ज्यादा भी नहीं है, यार बड़ा अच्छा नाम था वो, मैं जहन से निकल गया मेरे बिल्कुल। मेरे बिल्कुल जहन से निकल गया वो नाम अभी। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल आसान करके तो बताया मैंने, अब और कितना आसान चाहिए। तो ये कोड सीधा सीधा कोड है, ये पेस्ट हुआ हुआ है, ये कॉपी पेस्ट वाला कोड है और इसको रन किया है मैंने बस। अच्छा तो एक तो हमने टास्क आपको दिया है कि भाई वेबसाइट बना के लानी है आपने, जब वो टास्क आपसे बन जाए ना और थोड़ा सा टाइम अगर आपके पास और बच जाए तो आपको करना क्या है, आपको जाके ना गूगल पे सर्च करना है। ये मैं तो बताऊंगा ये अगली क्लास में, लेकिन मुझसे पहले अगर कोई आगे निकलना चाहे तो आई वुड अप्रिशिएट। आपको जाके गूगल पे सर्च करना है कि नॉट जेएस का सर्वर कहाँ पे फ्री में डिप्लॉय हो जाता है, ये आपने सर्च करना है और अगली क्लास में ना उसको डिप्लॉय करके ले आना है। और मुझे क्या देना है आपने, वो सर्वर का URL, और मैं उस सर्वर के URL पे रिक्वेस्ट भेजूँ तो रिस्पॉन्स जो आपने सेट किया वो आ जाए। अगर ये किसी से हो जाए तो फिर क्या ही बात है, मज़ा आ जाएगा, सही है। मैं बाई दफे बताऊंगा अगली क्लास में कि ये क्लाउड में कैसे भेजा जाएगा, लेकिन अगर आपसे ये हो पाए तो आप इसको खुद से ही डिप्लॉय कर लें और डिप्लॉय करके घर से आ जाए ताकि हम कल और आगे पढ़ें उससे, ठीक है। चलो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में। आईपी एड्रेस ये ना दिया बताया मैंने, ये मैं लाया कहाँ से हूँ, मेरे पास तो यहाँ सामने लिखा हुआ आ रहा होता है। अगर आप विंडोज़ में है ना तो टास्क मैनेजर खोलेंगे आप तो वहाँ पर आ रहा होता है, और आईपी कॉन्फ़िग लिखने से भी आ जाता है सीएमडी पे, या नहीं इंटरनेट नहीं होता, ये मेरे लोकल आईपी एड्रेस है जिस नेटवर्क पे मैं इस वक्त, आप घर जाके अगर भेजेंगे ना, ऐसा कोई बंदा जो इस बिल्डिंग में मौजूद नहीं है वो इस आईपी पे रिक्वेस्ट भेजेगा मेरे पास नहीं आएगी, ये लोकल है मेरा, लोकल आईपी है। मैक एड्रेस से भी नहीं चलेगा, नहीं आईपी ये लोकल होती है ग्लोबल होती है, ये मेरी प्राइवेट आईपी एड्रेस है, पब्लिक नहीं है ये। पब्लिक आईपी एड्रेस मेरा, पब्लिक आईपी एड्रेस भी बता देता हूँ मैं लिखूंगा ना यहाँ पे व्हाट इज माय आईपी, तो ये मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस मुझे बता देगा, ये मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस है। अगर इस बिल्डिंग के बाहर से मुझे किसी को भेजना है ना रिक्वेस्ट तो ये लिखेगा, फिर वो वाला नहीं लिखेगा। लेकिन इसमें एक मसला है, इस पर रिक्वेस्ट भेजेगा ना मेरा जो प्रोवाइडर है जो भी होगा यहाँ पे इंटरनेट का, इंटरनेट वाला जो है उसने ये बंद किया हुआ होता है कि इस पर कोई रिक्वेस्ट ना भेज सके, ये वन वे है सर, यहाँ से मैं भेज सकता हूँ कोई और नहीं भेज सकता, फॉर द सिक्योरिटी purposes, ठीक है। तो बावजूद इसके कि ये मेरा पब्लिक आई पी एड्रेस है, सब लोगों को दिख रहा है ये, इस बिल्डिंग के बाहर से भी इस पर रिक्वेस्ट की जा सकती है, लेकिन किसने रोका हुआ है, मेरे इंटरनेट वाले बंदे ने रोका हुआ है, ठीक है। अगर मुझे वो खुलवाना है अगर, तो मैं क्या करूँगा उसको, वो मुझसे बोलेगा कि भाई थोड़े एक्स्ट्रा पैसे पी टी सी एल के पास सर्विस मौजूद है, पी टी सी एल का इंटरनेट अगर कोई चलाता है तो उसके आप बोलेंगे फ़ोन करके कि मुझे स्टेटिक आई पी चाहिए, तो आपका ये वाली जो आईपी है ना इसकी जगह एक फिक्स आईपी एड्रेस आ जाए, ये चेंज भी होता है भाई, तब
ये चेंज भी होता है, मैं इंटरनेट की तार निकाल के दोबारा लगाऊंगा ना ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, डायनेमिक होता है। तो अगर मुझे इसको प्रॉपर करवाना है, अभी तो मेरे पास स्टैटिक आईपी नहीं है, जो इंटरनेट मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे इस वक्त वो सादा सा इंटरनेट है, कंज्यूमर ग्रेड का इंटरनेट है। कंज्यूमर ग्रेड के इंटरनेट में आपको बिल्डिंग के बाहर से कोई रिक्वेस्ट नहीं कर सकता, बंद किया हुआ होता है उन्होंने, जानबूझ के बंद किया हुआ होता है, ठीक है। तो आपको या तो एंटरप्राइज ग्रेड का इंटरनेट चाहिए होगा जिसमें ये चीज़ें पहले से होती हैं, या तो कंज्यूमर ग्रेड के ही इंटरनेट में अगर आप खुलवाना चाहते हैं ये स्टैटिक आईपी, तो आप फ़ोन करेंगे कहेंगे यार खोल दो मेरा, खोल देंगे वो। लेकिन आमतौर पर आप अपने कंप्यूटर में सर्वर होस्ट नहीं करते हैं, छोटे बिजनेसेस के लिए क्लाउड पे होस्ट करना ज़्यादा सस्ता रहता है, ज़्यादा कन्वीनियंट और ज़्यादा फीजेबल रहता है, ठीक है। मैंने 3-4 वर्ड यूज़ किए, ये बड़ा कॉन्टेक्स्ट है इसका, होपफुली नेक्स्ट क्लास में अगर मौका मिला तो हम डिस्कशन करेंगे कि किसी चीज़ का फीजेबल होना या कन्वीनियंस होना वो क्या कहलाता है। हम ये कंपैरिजन भी करने की कोशिश करेंगे कि एक सर्वर जो आपने अपने बिल्डिंग के अंदर अपने घर के अंदर डिप्लॉय किया हुआ है स्टैटिक आईपी और डोमेन लगा के, और एक आपने गूगल के क्लाउड पे अगर डिप्लॉय किया हुआ है, तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा, एक्सपेंसेस, खर्चा, मेंटेनेंस, बिजली के और इंटरनेट के पैसे, ठीक है, जो एम्प्लॉई आप रखेंगे उसको मेंटेन करने के लिए, ज़ाहिर है 24/7 आप तो नहीं बैठ सकते ना, आप सोएंगे भी तो सही, तो कोई बंदा भी आपको, तो क्या कंपैरिजन रहेगा, ठीक है। जो मशीन आपने लगाई हुई वो ख़राब भी होगी, उसको भी रिपेयर करना हो सकता है, चीज़ें कंपोनेंट्स ख़राब होंगे वो चेंज भी करेंगे आप, तो अल्टीमेटली कौन सा वाला बेस्ट रहेगा, क्लाउड पे करना या अपने बिल्डिंग में करना। वैसे तो क्लाउड वाला बेस्ट है, लेकिन हम कंपैरिजन करके कोशिश करेंगे अगली क्लास में देखने की, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में।